हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज हो गई है 2 फरवरी, दिन है आज मंगलवार। तो कैसे हैं आप? आप सब ठीक होंगे। और टाइम हो रहा है 10:20, क्योंकि 15 मिनट आगे है हमारी घड़ी। और यहाँ पर जो है मेरा सुबह का वर्क जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूजा भी कर ली है और बस अब जो है बाबू जी का नाश्ता पानी कराना है। और सबका हो चुका है नाश्ता, बाबू जी रह रहे हैं, बाबू जी का नाश्ता कराना है। तो चलते हैं किचन में, बनाएंगे चाय। और ये भिगोए थे मैंने बाबू जी के चने, इन्हें जो है उबलने के लिए गैस पे रख दूंगी। ये उबलते रहेंगे, इतने में बाबू जी को चाय नाश्ता करा दूंगी। इतने उबल जाएंगे फिर खा लेंगे बाबू जी चने। थोड़े से कान्हा जी को दे दूंगी। और अभी मुझे जाना है छत पे। ये जो जल है इसे मैं ऊपर पौधों में डाल आऊँगी, क्योंकि इसमें जो है मैं तांबे की प्लेट में कान्हा जी को नहलाती हूँ। तो चलते हैं छत पर। धूप निकल ली है आज बेहतरीन वाली। कितनी तेज धूप निकल रही है आज। और सर्दी जो है पहले से कम लग रही है, सर्दी जाने वाली है। और फिर इसी सर्दी को ना जो सब याद करेंगे कि सर्दी ठीक थी, क्योंकि जो है ना गर्मी गर्मी बहुत बेकार है। गर्मी गर्मी में ना तो सही से कहीं बैठ सकते हैं, ना उठ सकते, ना बैठ सकते। सर्दी में तो कहीं भी बैठ जाओ, कभी भी, कभी छत पे बैठ जाओ, कभी नीचे बैठ जाओ। धूप जो है आज बेहतरीन वाली निकल रही है। चलते हैं नीचे बाबू जी का चाय नाश्ता कराने के लिए। हमारे इधर की रोड गाड़ियां चल रही हैं, फुवारी जा रही हैं, और रोड बनने की जो है तैयारियाँ चल रही है बेहतरीन वाली। छोटा रे छोटा, तो गाइस यहाँ पर जो है हमारे बाबू जी का जो है नाश्ता तैयार हो चुका है। लड्डू, गज्जक एंड चने एंड चाय। एक बाबू जी की चाय, एक भैया की चाय। और बाबू जी जो है ये ऐसा ही नाश्ता करते हैं सुबह का, हल्का बहुत, ज़्यादा वो नहीं खाते हैं। तो चलिए चलते हैं बाबू जी का नाश्ता देने के लिए। और चाय पी लीजिए अभी गर्मा गर्म। तो गाइस आज बनाने जा रही हूँ मैं ये कटहल, आलू, मटर और टमाटर, हरा धनिया, इन सबको जो है मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। और यहाँ पर जो है आज मैंने ये भारी वाली कढ़ाई ली है, बड़ी कढ़ाई। तो इसमें जो है पहले मैं कटहल को फ्राई करके जब बनाऊँगी तो पहले करूँगी मैं इसको फ्राई।
तो गए यहाँ पे जो है हमारा कटहल जो है फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे पहले हम टमाटर, डालेंगे थोड़ी सी घी, और गाइस यहाँ पे जो है हमने चारों मसाले जो हैं एक साथ ले लिए हैं जो कि हम इसमें डाल देंगे। और टमाटर जो है हमारा अच्छे से भून के गल चुका है, हम इसको अच्छे से मसाला भून लेंगे इसमें। टमाटर भी जो है हमारा गल चुका है और इसमें डाल देंगे हम। अब यहाँ पे हमने धो के रखी हुई थी मटर, एक बाउल मटर लिया हमने, इसमें डाल देंगे। मटर को भी जो है अच्छे से भून लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप कि हमारा मसाला जो है अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे कटहल को डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे अब आलू कटे हुए, हमने इसमें 3 आलू कट करे हैं मीडियम साइज के जो हमने इसमें डाल दिए हैं। तो गाइस जल्दी से बताइए हमारी वीडियो कैसी लग रही है, सब्जी देखने में कैसी लग रही है, सब्जी देखने में सही में बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो आप भी बताइए आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करते चले जाएं, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, अब मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस यहाँ पर जो है माधव गुप्ता भी नहा चुके हैं और तैयार हो चुके हैं, बन रहे हैं हीरो और लगा रहे हैं चश्मा। कहाँ जा रहे हो हीरो बन के, हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नमस्ते करो, हाय करो, हाय ऐसे यहाँ बोलो, बोलो हाय हाय। और गाइस यहाँ पर जो है हमारी
आलू कटहल मटर की सब्जी है बनकर तैयार, और डाल दिया है इस पे ऊपर से हरा धनिया। और बताइए गाइस कैसी लग रही है हमारी सब्जी देखने में। जिसको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।